मुंबई वर्सेस पंजाब के महामुकाबले में मुंबई इंडियंस को सीजन की पांचवी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा ने एक विस्फोटक पारी जरूर खेली थी और उसी पारी से उन्होंने बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है। आप सभी को बता दें, रोहित शर्मा ने T20 क्रिकेट में 10,000 से ज़्यादा रन कंप्लीट कर लिए हैं। ये इनके लिए एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, क्योंकि दोस्तों टीम के कप्तान रोहित शर्मा पर सभी की नज़रें टिकी थी, क्योंकि वो एक बेहद खास आंकड़े के करीब थे। मैच में पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 198 रनों का स्कोर खड़ा किया। जब मुंबई इंडियंस की टीम जवाब देने उतरी तो कप्तान व ओपनर रोहित शर्मा ने आउट होने से पहले वो खास रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर लिया। रोहित शर्मा को T20 क्रिकेट में हर स्तर पर 10,000 रन का आंकड़ा छूने के लिए 25 रनों की जरूरत थी। रोहित शर्मा ने पंजाब किंग्स के खिलाफ 17 गेंदों में 28 रनों की पारी खेली और इसी के साथ उन्होंने T20 क्रिकेट में 10,000 यानी कि 10,000 रन पूरे कर लिए हैं। वो ऐसा करने वाले दुनिया में 7वें क्रिकेटर बने, जबकि दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने जिसने ये कमाल किया विराट कोहली के बाद। रोहित शर्मा ने T20 क्रिकेट में साल 2007 से 2022 के बीच अब तक 375 यानी कि 375 मैचेस खेले। इस दौरान उन्होंने 10,003 रन बना लिए। इस दौरान उनके बल्ले से इस फॉर्मेट में 6 शतक और 69 यानी कि 69 अर्धशतक निकले। इस मामले में भारतीय खिलाड़ियों में उनसे आगे सिर्फ विराट कोहली हैं, जिनके बल्ले से अब तक 330 यानी कि 330 मैचों में 10,389 रन यानी कि 10,370 रन निकल चुके हैं। तो बहुत जल्दी कोहली को भी ओवरटेक कर लेंगे। जिस हिसाब से विराट कोहली का बल्ला शांत है और रोहित शर्मा का बल्ला आग उगला है, तो इस बात में कोई दो राय नहीं। क्रिस गेल ने सबसे ज़्यादा अभी तक मारे हैं T20 के फॉर्मेट के, अगर रन मिलाएं 14,562 यानी कि 14,562। वहीं शोएब मलिक ने 11,698, किरण पोलार्ड ने 11,474, एरन फिंच ने 10,499, विराट कोहली ने 10,379, डेविड वॉर्नर ने 10,373, तो रोहित शर्मा ने 10,003 रन के साथ 7वें ऐसे खिलाड़ी बने हैं वर्ल्ड वाइड। तो रोहित शर्मा की टीम मुंबई भले ही खराब प्रदर्शन कर रही है, लेकिन रोहित शर्मा के बल्ले से कभी कभार जब रन निकलेंगे तो बाकी टीमों की शामत आनी तय है। लेकिन मुंबई का ये सफर अभी तक का बड़ा खराब गया। आगे का सीजन बचा है, 9 मैचेस बचे हैं, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ चलना चाहेंगे और 9 मैच से कम 8 मुकाबले जीतना जरूर चाहेंगे ताकि क्वालिफायर के लिए बने रहें। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स।